हेलो एवरीवन, दिस इज मी साधिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बारे में कुछ भी सोच भी रहा है या नहीं। आप उसको मिस करते हो पर आपको नहीं पता कि उसके जहन में आप हो राइट नाउ या नहीं। तो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी टू नो दैट। इस रीडिंग में हम साथ में मैसेजेस भी ऐड करेंगे पर्सन की तरफ से, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है, हाँ या ना। लेट्स सी, द आंसर इज अ नो टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जो राइट नाउ जिसके साथ भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि पर्सन राइट नाउ अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहा। लव लाइफ उसके लिए ऑन होल्ड है राइट नाउ। मुझे लगता है कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाह रहा है राइट नाउ। और शायद लव आप या कुछ भी इन अ लविंग वे उसका फोकस नहीं है। हो सकता है फ्लर्टेशियस हो सकता है यू नो अपनी लाइफ में बिजी हो सकता है उसको उसके पास टाइम ना हो लव रिलेशनशिप्स को लेकर सोचने का भी। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी इन्जॉय कर रहा है। डेफिनेटली आप उसके फोकस में नहीं हो, आपके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं राइट नाउ। काम काम काम, सक्सेस उनका प्राइम फोकस है राइट नाउ। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो भी सकता है कि आपके पर्सन जो हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांस है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रीडिंग की थी उसमें भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी आई थी। सो चांसेस हैं कि आपके लिए वो रीडिंग भी मैच करे, बट लग नहीं रहा कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। एटलीस्ट यू नो हो सकता है कि उसने सोचा हो कि यू नो अब वो जब भी किसी रिलेशनशिप में आएगा तो वो शादी वाली रिलेशनशिप में ही आना चाहेगा। सो वो भी पॉसिबिलिटी है कि राइट नाउ उसने कोई भी ऐसा डिसीजन ना लिया हो, लेकिन जब भी करेगा वो शादी ही करेगा। सो लव रिलेशनशिप में उसको जाना ही नहीं है। सो राइट नाउ उसका प्राइम फोकस उसका काम 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 हो सकता है। और हो सकता है कि कुछ ऐसा उसकी यू नो उसने अपने आप के साथ कमिटमेंट कर दिया हो, या फिर अपने आप को यू नो एक स्ट्रिक्ट वे में समझा दिया हो कि लव रिलेशनशिप्स में तो पढ़ना ही नहीं है। उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं यहाँ पर मुझे। और मुझे लगता है कि शादी लव रिलेशनशिप्स के बारे में वो तभी सोचेगा जब उसको लगेगा कि आई एम रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दैट। सो मुझे नहीं लग रहा राइट नाउ उसकी ज़िंदगी में कोई है, बट एक चीज़ के जहन में है जो कि इसको भी काम करना है, इसको भी अपना नाम बनाना है, इसको अपना एक स्टेटस बनाना है। और अगर ऑलरेडी ये बहुत रिच एंड फेमस भी है तब भी इसके माइंड में अपने आप को और बेटर करने के यू नो सोच है इसकी। इस यू नो इसकी इंटेंशन ऐसी है राइट नाउ। व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, मुझे लगता है कि राइट नाउ उसके लिए लव जो है वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली नहीं है। लव लाइफ के लिए मुझे लगता है कि ये अभी टाइम नहीं निकालना चाह रहे हैं। सो लग रहा है कि यू नो हो सकता है कि इनकी फैमिली इनका रिश्ता सोच रही हो या देख रही हो, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये खुद से मेंटली फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है टू बी इन अ रिलेशनशिप। इनको लगता है इनके पास टाइम नहीं है इन सब के लिए और राइट नाउ ये इस सब से भागना चाहते हैं। लव रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि राइट नाउ ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी से भी बात करने से, किसी के भी यू नो साथ कोई कनेक्शन बनाने से। मुझे लगता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये खुद के साथ स्पेंड करते हैं या फिर काम पे। हो सकता है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी अवॉइड कर रहे हो राइट नाउ ताकि लव शादी से रिलेटेड कोई बातचीत ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो कि इनको किसी के साथ इनका रिश्ता बनाना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। यू नो ये लेकिन विलिंग नहीं लग रहे, इनका अपना माइंड जो है वो काम पे फोकस्ड है, सक्सेस पे फोकस्ड है, बिल्डिंग अप करियर फोकस जो है वो इनका प्राइम फोकस है। सो कहीं ना कहीं ये खुद लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ यू नो एफर्ट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ इनको लगता है कि अपनी परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो लव इनकी ज़िंदगी में है या नहीं इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अपने आप को काफ़ी इन्वेस्टेड रखे हुए हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, शादी को लेकर ये पर्सन क्या सोचता है। वाओ,
कुछ नहीं सोचता. आई थिंक मेरे पास जो कार्ड आया, जो आई कैन सी, एक सेकेंड लेट मी पिक द कार्ड अप, वो है नाइन ऑफ सोल्स का. मुझे लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन जो है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं इसने एक डिसीजन तो बना लिया है कि अब इसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए लव एंड रिलेशनशिप में. वन एवर इट इज़ गोइंग टू बी शादी. जो भी होगा वो शादी ही होगा, चाहे अब इसने अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ क्यों ना दिया हो कि आप देख लेना, जो भी रिश्ता करना होगा कर देना, वो सिचुएशन भी हो सकती है. लेकिन ये खुद से अपने एंड से किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये फैमिलीज़ और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते होंगे ताकि कोई ऐसी बात हो ही ना. अगर आप अपनी फैमिली को हैंड भी दे रहे हो कि ठीक है आप चूज़ कर लेना, आप डिसाइड कर लेना, लेकिन स्टिल उस चीज़ को अवॉइड करेंगे फैमिली गैदरिंग्स को और फैमिली सिचुएशंस को, ताकि कोई शादी की बात ही ना आए. लेट्स सी कि क्या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, क्या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसके साथ ये अटैच्ड है, या फिर अच्छा होल्ड ऑन लेट मी टेक दैट कार्ड. एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है. लेट्स सी, चांसेस हैं कि ये किसी के साथ अटैच्ड हों, चांसेस हैं ये किसी के साथ अटैच्ड हों, वो आप भी हो सकते हो, दैट्स द थिंग. क्योंकि जो भी है उसको भी ये टाइम नहीं दे रहे हैं, लव इनके माइंड में नहीं है. देर इज़ समबडी जिसके साथ ये अटैच्ड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो भी चीज़ इनके माइंड में अभी के लिए नहीं है. सो देर इज़ अ चांस कि ये पर्सन आप पे इंटरेस्टेड हो, लेकिन एट द सेम टाइम गिवन सर्कमस्टांसिस में ये लव के ऊपर फोकस नहीं रखना चाहता, शादी ये करना नहीं चाहता. देर इज़ समबडी जिसके साथ ये अटैच्ड है इमोशनली, लेकिन फिलहाल उसको भी परसू नहीं करना. सो वो आप भी हो सकते हो. लेट्स सी कि आपको लेकर पर्सन क्या सोचता है. इज दैट पर्सन यू जिसके साथ ये इमोशनली इन्वेस्टेड है या अटैच्ड है. द लवर्स का कार्ड आया है. यू विल कीप शफलिंग. क्या वो पर्सन जिसके साथ ये इमोशनली अटैच्ड हैं, जिसको जिसके साथ भी ये अभी उस तरह से शायद उसको भी इग्नोर कर रहे हैं. लेट्स सी कि क्या वो पर्सन आप हो जिसके साथ ये इमोशनली अटैच्ड हैं. क्या वो पर्सन आप हो, क्या वो पर्सन आप हो, क्या वो पर्सन आप हो जिसके साथ ये इमोशनली अटैच्ड हैं. टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, सॉरी टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वांड्स. चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि वो पर्सन आप हो, इवन दो कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ ख़त्म हुआ हुआ है, लेकिन येस ये इमोशनली आप में आपके साथ स्टिल अटैच्ड हैं, लेकिन फिलहाल लव लाइफ से भागना चाहते हैं. अगर ऐसी सिचुएशन में आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप सरेंडर करो अपनी लव लाइफ. क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि कब आपके पास आएगा, कब सिचुएशन इसके साथ आपकी बेहतर होगी, मुझे लगता है उतना ज़्यादा चीज़ें स्टक होंगी. ये पर्सन राइट नाउ अपनी लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता, इवन दो इसके पास फैमिली का प्रेशर रहेगा कि शादी करे, कम्युनिकेशन अवॉइड करेगा फैमिली से, ऐसे लोगों से अवॉइड करेगा जो कि इसे शादी के लिए प्रेशराइज़ करें या फिर बात भी करें किसी तरह से भी अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मुझे लगता है कि फ़िलहाल ये अपना टाइम सिंगल होके गुजारना चाहता है, और शायद एज दे एज दिस पर्सन इज स्पेंडिंग टाइम अलोन, तो ये कहीं ना कहीं आपके बारे में स्टिल, क्योंकि ये आपसे इसने अपना आपसे मूव ऑन नहीं किया हुआ अब तक, नाउ जब तक हम ये रीडिंग कर रहे हैं, और आगे मुझे लगता है कि स्टिल ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है फैमिली प्रेशर में आकर अगर इसने शादी कर भी लेगा तो ये उससे डिटैच रहेगा उस पर्सन से, और चांसेस हैं कि ऐसा कुछ लोग कर जाएं, जो कि किसी कमिटमेंट में चले जाएं और इंगेजमेंट में चले जाएं या शादी में चले जाएं, और लेकिन इमोशनली उस कनेक्शन में इन्वेस्टेड ना हो. बट क्योंकि इसका प्यार, इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप में से ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सब ऑलरेडी हो चुका हो जहाँ पर ये पर्सन किसी और का है, और
स्टिल आपके साथ यू नो उसकी सेम फीलिंग्स हैं, लेकिन अपने पर्सन के साथ ये पर्सन डिटैच्ड है, उसको टाइम नहीं दे रहा, फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहा है, फैमिली को अवॉइड कर रहा होगा। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी आपका इस इंसान के साथ क्या फ्यूचर है। वन कार्ड आंसर, वाओ द चैरियट। एक चीज़ तो है कि आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा इस इंसान के साथ, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसके साथ रहना चाहो, चाहे आपका पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आए, आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है इस इंसान के साथ, ये तो कंफर्म है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि यू नो आपका पर्सन इस पर्सन को छोड़ कर आपके साथ आए, लेकिन एटलीस्ट आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ ख़त्म डेफिनेटली नहीं होता दिख रहा मुझे यहाँ पर। सो इट विल कंटिन्यू, आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग है, चाहे राइट ना आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, लेकिन स्टिल जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे नहीं लग रहा कि ख़त्म होगा। आप दोनों का कनेक्शन साथ चलता रहेगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स इसकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, आपका कनेक्शन इसके साथ कंटिन्यू रहेगा। लेट्स सी कि गिवन सिरकमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए। इट्स अ जनरल रीड, आप पर्सनल रीड ले सकते हो जस्ट टू गेट क्लियर कट आंसर अराउंड योर लव लाइफ, लेकिन जो जनरल रीड है उसमें हो सकता है कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पर्सन की एनर्जी आ रही हो, बट या लेट्स टेक सम ओरेकल गाइडेंस आपके लिए गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इन साइड योर हार्ट एंड विदन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। क्या आपका पर्सन किसी और के साथ है, क्या वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, क्या वो आपके बारे में सोच रहा है, क्या वो आपका बनेगा, जो भी आपके जहन में सवाल है अगर आप यू नो अपने दिल से पूछोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आपका पर्सन किसके साथ है, क्या वो आपका वेट कर रहा है, या वो अपनी लव लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, अवॉइड कर रहा है, वो आपका बनेगा या नहीं। हर किसी के दिल की बात जो है, अगर आप अपने हार्ट को यू नो सुनो तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके लिए आपका पर्सन की सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग जिनके लिए आपका पर्सन आपके पास आएगा उनको एक स्ट्रांग किस्म का फेथ जो है वो होगा, और आप कभी भी ये बिलीव नहीं करते होगे कि आपका पर्सन किसी और के साथ हो सकता है। यू नो आपका इतना स्ट्रांग बिलीव है कि दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आप ये बिलीव रखते हो कि आपका पर्सन आपका ही है और आपका ही होगा। सो लिसन टू योर इनर वॉइस, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और का हो सकता था या हो सकता है, क्योंकि वो उसका उसका यू नो उसका पास्ट भी ऐसा रहा हो। हो सकता है कि वो हमेशा से प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप की कोई चीज़ रहा हो, तो वो भी आपको आपके दिल उस चीज़ की गवाही दे रहा होगा। सो लुक विदन एंड देन उस आंसर के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ के डिसीजंस लो। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्ट और प्लान, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। आई फील लाइक के यू नो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है राइट नाउ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि जो एक दूसरी रीडिंग मैंने की थी, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर प्रॉबली टाइम कम यू नो टाइम माइट कम, जहाँ पर शायद आपको अपनी ज़िंदगी में आगे एक नई जर्नी पे चलना हो। सो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, एंड देन कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। कुछ अच्छा इस इंसान के साथ होना होगा तो हो जाएगा, और अगर कुछ बुरा होता है इस इंसान के साथ, रिलेशनशिप एंड होता है, ये पर्सन किसी और का हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन टू प्रिपेयर योर सेल्फ अप फॉर अ न्यू जर्नी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर होगा एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड। सो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन किसी और को चूज़ करता है, ये खुश नहीं रहेगा, और ये वापस आपके पास आएगा, चाहे वो उसको डाइवोर्स करके आए, सिचुएशन ख़त्म करके आए, या वैसे आपके पास आए, लेकिन आपका कनेक्शन इसके साथ रहेगा। बट एट द सेम टाइम, अगर बीइंग ऑन द वेटिंग साइड, आप सिर्फ बैठते हो, वेट करते हो, और सिचुएशन को इवॉल्व होने का वेट करते हो, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ ऐड नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ न्यू जर्नी। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो ये पर्सन आपका ही होगा, ये चूज़ ही नहीं करेगा किसी और को। अगर आपका फेथ वीक है तो ये हो सकता है किसी और को चूज़ करके फिर दोबारा आपके पास आए, जब तक आपका फेथ जो है स्ट्रांग हो चुका हो। सो हर किसी का जर्नी जो है वो डिफरेंट रहेगी, और एवरीबडी इज़ ऑन देयर ओन जर्नी और ऑन देयर ओन पाथ। आपके मेंटल वे ऑफ बीइंग,
आपका जिस तरह से आपका थॉट प्रोसेस रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका फेथ कैसा रहा है, आपके फियर कैसे रहे हैं, हर किसी की जर्नी डिफरेंट रहेगी एज अ रिजल्ट ऑफ योर फेथ थॉट एंड वे ऑफ बीइंग. तो हर कोई अपनी लाइफ में डिफरेंट वे में इस इंसान के साथ होगा. कुछ लोगों के लिए इतना स्मूथली हो जाएगा कि आप सोचते रह जाओगे कि यू नो आई वंडर कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होगी. कुछ लोगों के लिए वेट होगा, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने आप को लेके कितना कॉन्फिडेंट थे और हो. और कुछ लोगों के लिए यू नो हो सकता है कि एक लेसन के बाद आपके पास ये ज़िंदगी में आपका पर्सन वापस आए. लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है. अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही हैं तो ये पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि आपके कनेक्शन का फ्यूचर सीम्स टुगेदर. सो बट येस, जर्नी सबकी डिफरेंट होगी. कुछ के लिए इसी ईजी होगी, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगी, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक होगी, कुछ लोगों के लिए एक एक जर्नी है जिसमें आपको साथ टाइम स्पेंड करके बहुत कुछ लर्न करना है. और हो सकता है एंड अप आप ये सोच के हो कि आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाओ. सो वो भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए. सो जस्ट जस्ट नो वन थिंग कि लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. यू नो जो भी होता है इस कनेक्शन में आपके साथ, इस इंसान के साथ, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ. आप अपने आप को होल्ड ऑन नहीं करोगे किसी भी तरह से इस सिचुएशन में रहते हुए, क्योंकि जब आप अपने आप को होल्ड बैक करते हो मूव ऑन करने से और अपनी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो आप होल्ड पे रख देते हो, तो देन आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगी. सो ट्राई टू लेट इट गो, लेट इट फ्लो. और या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.